नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रतिवर्ष 28 जनवरी को सूचनाओं या जानकारी की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा के महत्व एवं इसके संदर्भ में जागरूकता पैदा करने डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि इसी दिन यानी 28 जनवरी को यूरोप की परिषद ने डेटा संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया था। कन्वेंशन 108 के नाम से जाना जाता है। तब से प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। हर साल पूरी दुनिया में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी का जितना विकास हुआ है, जितने इसके फायदे हैं, उतने ही इसके नुकसान भी हैं। जहाँ सोशल मीडिया और इंटरनेट से लैस डिजिटल दुनिया में हमारे कई काम आसानी से हो जाते हैं, वहीं हमारी निजी जिंदगी और प्राइवेसी तक आसानी से पहुँच सकता है। हम सब जानते हैं आज के दौर में यानी आज के आधुनिक समय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारी फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में मौजूद होती है। जहाँ एक तरफ ये सब आपके जीवन को गति प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ एक हल्की सी चूक से ये ऑनलाइन मौजूद डाटा आपके लिए खतरा भी बन जाता है। आपके किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। आज इसी प्राइवेसी को एक बार फिर क्रॉस चेक करने के लिए पूरी दुनिया में डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि यूरोप की परिषद ने प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाए जाने वाला एक डेटा सुरक्षा दिवस शुरू किया था, जिस तारीख को यूरोप के डेटा संरक्षण सम्मेलन, जिसे कन्वेंशन 108 के रूप में जाना जाता है। आज का दिन जानकारी की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह दिन नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जाता है। सरकारें और राष्ट्रीय डेटा संरक्षण संस्थाएं आज के दिन व्यक्तिगत डाटा संरक्षण और गोपनीयता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां भी करती है। इस दिन के तहत पूरे विश्व में डेटा संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है। भारत की आज़ादी का इतिहास क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और बहादुरी के कारनामों से भरा हुआ है। ऐसे ही एक वीर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे, जिन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन यानी 28 जनवरी 1865 में उनका जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के लुधियाना जिले के तुड़ी के गांव में हुआ था। उनका परिवार अग्रवाल जैन परिवार था। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल सरकारी स्कूल में उर्दू और फारसी के शिक्षक थे और माता गुलाब देवी पारिवारिक और धार्मिक व्यक्तित्व वाली महिला थी। 1870 में पिता का स्थानांतरण रेवड़ी हो जाने की वजह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवड़ी पंजाब प्रांत में हुई थी। 1880 में कानून का अध्ययन करने के लिए उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लिया। लाहौर में अध्ययन के दौरान उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और लोग शामिल हुए, जिन्होंने उनके जीवन की दशा बदल दी थी। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित हुए थे। उसी दौरान वह उस समय के आर्य समाज लाहौर के सदस्य बने और साथ ही लाहौर स्थित आर्य गजट के संस्थापक और संपादक भी बने। उनकी मुलाकात पंडित गुरुदत्त और लाल हंसराज से हुई, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारधारा रखते थे और बाद में स्वतंत्रता सेनानी बने। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने लाल बाल पाल का गठन किया, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने कांग्रेस के नरम दल, जिसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, के विरोध में गरम दल का गठन किया। बॉलीवुड में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर से बड़ी गायिका किसी को नहीं माना जाता। उनके साथ काम करने के लिए एक समय संगीत निर्देशक उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसे भी संगीत निर्देशक रहे हैं जिन्होंने कभी भी लता जी के साथ काम ना करने की कसम खाई थी। इस भीष्म कसम को उठाने वाले निर्देशक का नाम था ओपी नैयर। आज ही के दिन 2007 में उनका निधन हुआ था। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले ओपी नैयर को हिंदी सिनेमा का एक अहम संगीत निर्देशक माना जाता है। ओपी नैयर हिंदी सिनेमा के उन दिग्गज संगीतकारों में से एक थे, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि कई कलाकारों के करियर को नई ऊंचाई दी। बिना किसी संगीत शिक्षा के ही उन्होंने बॉलीवुड को सबसे बेहतरीन गाने दिए हैं। हालांकि इनकी जिंदगी से जुड़ा एक अहम पहलू यह भी रहा कि इन्होंने कभी लता के साथ काम नहीं किया, बल्कि लता जी की जगह उन्होंने उनकी बहन आशा भोसले से काम लिया।
बात उन दिनों की है जब फिल्म आसमान की शूटिंग हो रही थी। फिल्म में एक गीत को फिल्म की सहनायिका पर फिल्माया जाना था और इस गाने की आवाज होनी थी लता जी की। लता मंगेशकर को यह बात रास नहीं आई कि उनका गीत किसी भी सहनायिका पर फिल्माया जाए। उस समय लता जी एक बहुत बड़ी गायिका मानी जाती थी। लता ने ओपी के लिए इस गीत को गाने से साफ इनकार कर दिया और जब नैयर साहब तक ये बात पहुंची तो उन्होंने भी एक दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने करियर में कभी भी लता के साथ काम नहीं करेंगे। संगीतकार ओपी नैयर अपनी जिद के बहुत पक्की थी। उन्होंने यह तय कर रखा था कि चाहे जो भी हो जाए वह लता मंगेशकर से कोई भी गाना नहीं गवाएंगे। तो इस फैसले पर वह आखिरी सांस तक कायम रहे। हालांकि कुछ लोग इसे मात्र अफवाह ही मानते हैं, लेकिन ओपी नैयर ने इसके बाद अपने कंपोज किए हुए अधिकतर गाने आशा भोसले से गवाए। इन दोनों की जोड़ी में बने तमाम गीत सफलता के नए आयाम छुए। आज भी कई लोग मानते हैं कि आशा भोसले ओपी नैयर साहब की ही खोज है। ऐसा लगता था कि नैयर साहब आशा जी के लिए विशेष धुन बनाते हो जिन्हें आशा बिना किसी मेहनत के गा लेती थी। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।